नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एजुकेशन इंडिया चैनल के एक और फ्रेश वीडियो में, जहां पर अभी हम बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री किसान कर्ज माफी के बारे में, यानी कि केंद्र सरकार की तरफ से की जा रही कर्ज माफी के बारे में। तो एक रिपोर्ट आ चुकी है और रिपोर्ट में यह साफ साफ बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री जी कर्ज माफी करने जा रहे हैं। तो आइए बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सब्सक्राइब करिए एजुकेशन इंडिया चैनल को और दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि आप आएंगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। तो दोस्तों, हमारे वीडियोस देखने के लिए नीचे एक लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन आ रहा है, उसे दबा दीजिए और उसका साइड में एक घंटी का निशान आएगा जो कि सब्सक्राइब करने के बाद आएगा, उसे जरूर से दबाइएगा, ताकि आप देख सकेंगे हमारे लेटेस्ट वीडियोज और साथ ही आने वाली किसानों से जुड़ी हर एक बड़ी खबर सबसे पहले। और साथ दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबाइएगा। तो आप वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे किस प्रकार से ये खबर आ रही है। तो आपको बता दें, न्यूज 18 की तरफ से न्यूज आ रही है, छोटे कर्जदारों को मोदी सरकार देगी बड़ा तोहफा, लोन करेगी माफ। तो आपको बता दें, छोटे कर्जदारों यानी कि स्मॉल डिस्ट्रेस्ड ब्रोवर्स को मोदी सरकार यानी कि मोदी गवर्नमेंट बड़ा तोहफा देने दे सकती है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी कि IBC के तहत सरकार छोटे कर्जदारों का कर्ज माफ कर सकती है। यह सब IBC के फ्रेश स्टार्ट प्रावधानों के तहत किया जा सकता है, इसको लेकर योजना तैयार हो रही है। तो आपको बता दें, कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजीत श्रीनिवास ने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी कि EWS से आने वाले छोटे कर्जदारों की कर्ज माफी के लिए कैटेगरी तय करने को लेकर सरकार माइक्रो फाइनेंस इंडस्ट्रीज से बात कर रही है। उन्होंने बताया कि EWS में सबसे ज्यादा कर्ज तले दबे कर्जदारों को इसका फायदा मिलेगा, यानी कि जो EWS आरक्षण के अंतर्गत आते हैं, जो कि आपको पता ही है कि EWS जनरल कैटेगरी वालों को दिया गया था। जनरल कैटेगरी वालों को जो EWS सहित को OBC और जो भी आ रहे हैं बाकी कैटेगरीज को, उनको भी इसका फायदा मिलने वाला है। 5 साल में एक बार फिर मिलेगा कर्ज माफी का लाभ। वहीं अगर किसी ने इस फ्रेश स्टार्ट का फायदा उठा लिया है तो अगले 5 सालों तक इसका लाभ नहीं उठा पाएगा। श्रीनिवास ने बताया कि देश भर में 4-5 सालों में एक कर्ज माफी 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं। तो अब आपको इस कर्ज माफी के शर्तें भी बता दें। IBC के फ्रेश स्टार्ट के तहत कई प्रकार के प्रावधान है, जैसे कर्जदारों के सालाना इनकम 60,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, उनकी संपत्तियों का कुल मूल्य 20,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लाभार्थी पर लोन का मूल्य 35,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वहीं लाभार्थी के पास अपना खुद का आवास भी नहीं होना चाहिए, चाहे IBC के तहत उसके खिलाफ याचिका लगाई गई हो या नहीं। पर तो इस प्रकार से हमने क्राइटेरिया वगैरह सब बता दिया, जहाँ पर क्राइटेरिया थोड़ा सा बड़ा रखा गया है, जहाँ पर कुछ किसान ही असीमित रह जाएंगे, लेकिन आगे आगे देखते हैं कि इन कंडीशंस को चेंज किया जाएगा। तो हम आपके लिए समय समय पर रिपोर्ट लाते रहेंगे। ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके दर्शाएगा तथा शेयर करिएगा जरूर। तो अभी इस वीडियो में बस इतना ही था, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।